नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है अंजुम, मेरे साथ है ताहिर राज भसीन। और मैं आपको इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही बता दूं, ये दोनों मुझे क्लीन बोल्ड कर चुके हैं अपने अलग अलग कामों की वजह से। आप दोनों का स्वागत है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। हाउ आर यू बोथ? थैंक यू रूना। थैंक यू रूना। सुपर, हाउ आर यू? ऑल वेल, ऑल वेल। ताहिर, आप और अंजुम, आप अपने जो काम करते आए हैं ना, उसमें इतनी सफाई रही है कि मुझे देख के मजा आता है। आपको मैं इनफैक्ट आई वाज मेकिंग नोट्स। आपको मैं सुनील गावस्कर के तौर पर भी बड़ा पसंद कर चुकी हूँ, और साथ ही अंजुम, मैं आपको मिर्जापुर में बहुत ज्यादा पसंद कर चुकी हूँ। अब मुझे बताइए, दिल्ली की जब बात आ रही है, सुल्तान ऑफ दिल्ली की, तब उसमें मुझे अलग क्या मिलने वाला है? अंजुम साक्षर, अलग तो मतलब बाप रे बाप, बहुत कुछ है। मतलब पिटारा भर के अलग अलग चीजें हैं इसमें आपके। मतलब हाँ, जिस तरह से, जैसे आप देखिए, अगर जितनी भी एलिमेंट, जितनी भी चीजें होती हैं एक मास एंटरटेनर को, एक ऐसी चीज को जो आप फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, किसी भी कम्युनिटी व्यूइंग जिसे कहते हैं, कि एक साथ कई लोग बैठ के आप उस चीज का मजा ले सकते हैं। जो नॉर्मली होता यह है कि जब हम कोई भी सीरीज या ओटीटी पर कोई चीज देखते हैं, तो वो कई बार एक बहुत ही इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत अनुभव होता है कि आप अकेले बैठ के देख रहे हैं, ईयरफोन लगा रखा है, लैपटॉप पे हैं या टीवी पे हैं, फोन पे हैं, तो वो बहुत ही एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है ज्यादातर। सुल्तान ऑफ दिल्ली क्योंकि एक ऐसा एंटरटेनर, एक ऐसा पैकेज है, जिस तरह से एक 70 mm फिल्में हुआ करती हैं या हुआ करती थी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शो 1960 के दशक में बेस्ड है, एक पीरियड शो है, लेकिन जब आप उस चीज को, उस ग्रैंडनेस को, उस स्केल को, उस एलिमेंट्स को जब आप एक साथ, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो एक्शन हो, ऐसी और कई चीजें, अभिनय में भी जितने भी सारे रस होते हैं, नौ रस, सारी चीजों को जब आप एक साथ एक चीज में उसका सम्मेलन करते हैं, उसको मिलाते हैं, और जब आप उसे पेश करते हैं ओटीटी पे, तो वो होता है सुल्तान ऑफ दिल्ली। और मतलब हाँ, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको आपको बहुत ही एंटरटेन कर सकती हैं और आपको अपनी तरफ खींच सकती हैं इस सीरीज में। लवली। ताहिर, 1962 की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, आपके लिए दिल्ली और वो एरा, अगर आपने स्कूल में कहीं पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में कहीं थोड़ा होमवर्क करने के लिए किया होगा, इन दोनों को एक्सप्लेन करके बताइए, 1960s का एरा और दिल्ली। जी, मेरे लिए ये टाइटल और ये शो बहुत खास है क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, एंड क्योंकि मैंने स्कूल और कॉलेज और परवरिश मेरी वहां हुई है, तो एक एसोसिएशन है मेरा उस शहर के साथ। पर जब आप एक ऐसे एक विंटेज पीस करते हैं, तो कहानियां होती हैं जो आपने अपने दादा परदादाओं से, से से सुना हो, और पर रिसर्च करने के लिए, जैसे कि आपने कहा, यू विल रीड सर्टन बुक्स, यू विल रीड आर्टिकल्स। और सबसे एक्साइटिंग चीज मेरे लिए ये थी कि टू अंडरस्टैंड कि जब पार्टीशन हुआ था और रेफ्यूजीज 40s और 50s में आए थे, तो उस वक्त लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हुआ करती थी, उनकी इच्छाएं क्या हुआ करती थी। सब लोग जो है डिस्प्लेस्ड एक कम्युनिटी थी और सपने लेकर आए थे, और वो सपनों को प्राप्त करने के लिए, जो अंग्रेजी में टर्म होता है एक हसल, सब लोग एक हसलर थे, कि एक जंग थी अपनी डेस्टिनी को बनाने के लिए। एंड दैट इज व्हाट मेक्स द 40s एंड 50s, जहां पर आप जो 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 कि शो की शुरुआत है आप देखेंगे, और 60s के बारे में जो खासियत थी वो, और जो कि इस शो में आपको भर भर के दिखेगी, वो थी उस एरा की स्टाइल। एंड हु बेटर देन मिलन लुथरिया टू ब्रिंग आउट लाइक दैट ग्लैमर। हमारी आज सुबह ही बात हो रही थी कि वो एक इनहिबिटेड जनरेशन था, उनको परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है, क्या सुन रहा है, कैंसल हो जाएंगे, सेंसर हो जाएंगे, ये सब। मतलब वो जो जीते थे, खुल के जीते थे। एंड आई थिंक वो खास बात है, हर कैरेक्टर, चाहे वो अपने कैरेक्टर का शेड प्ले कर रहे हो, पर बहुत खुल के जीते हैं इस सीरीज में। तो 60s के बारे में अगर मेरे को सम अप करना हो, तो वो ही है कि बड़े सपने देखा करते थे, पीपल यूज टू लिव लार्ज, दे यूज टू पार्टी लार्ज, और एक बहुत स्टाइल हुआ करता था, और ये तीनों एलिमेंट आपको सुल्तान ऑफ दिल्ली में देखने को मिलेंगे। एक थोड़ा सा अलग सवाल आपसे ताहिर, चूंकि हम 60s की बात कर रहे हैं, आपके पिताजी और दादाजी, इन्होंने देश को सर्व किया है, देश के लिए सेना में वो एक बहुत बड़ा पार्ट निभा चुके हैं, कभी उनसे 60s की बात सुनी है, स्पेशली दादाजी से? क्योंकि शायद उन्होंने 1962 के वॉर के टाइम, इंडो चाइना वॉर की कभी कोई बात कही होगी, कोई जिक्र कही हो किया होगा। और क्या उन रियलिटीज का आपके इस वेब सीरीज में कोई जिक्र हुआ हो?
रूना, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक क्वेश्चन, क्योंकि मैं कम से कम 3 दिन से लोगों से बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे ये बात नहीं पूछी है. मेरा जो लुक है वो मेरे ग्रैंडफादर पर बेस्ड है. जो मुस्टैश है वो, जैसे मैंने एक तस्वीर दिखाई थी मिलन सर को कि इस तरह उनका हेयर स्टाइल है, इस तरह उनकी मूछ हुआ करती थी, और जब उन्होंने देखा उनको मिलिट्री यूनिफॉर्म में, तो उन्होंने बोला यही है तुम्हारे कैरेक्टर का लुक. तो डेफिनेटली अनुभव तो रहा. और जो कहानियां उनसे सुनते सुनते आए थे ऑफ एक गाड़ी चलाना उन दिनों में, और अगर आपको सड़क पर एक, आजकल तो हम बहुत टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, अगर आपको एक इम्पोर्टेड गाड़ी दिख गई, मर्सिडीज दिख गई, तो ठीक है यार मर्सिडीज है. उन दिनों में अगर कोई मर्सिडीज चला रहा हो तो उस स्टेटस की क्या अहमियत होती है. मेरा जो कैरेक्टर है वो गाड़ियों का बहुत शौकीन है, वो सीरीज देखेंगे तो समझेंगे क्यों. पर एक मर्सिडीज गाड़ी चलाना, और अगर आपको एक ऐसी गाड़ी मिल गई जिसकी रूफ नहीं हो और वो कन्वर्टेबल हो, वो एक इंसान के लाइफ में कितना बड़ा स्टेटस सिंबल हुआ हुआ करता था. अगर कि यार इसको गाड़ी चलानी आती है, यही अपने आप में एक बहुत एक बड़ी डील थी. तो ऐसे छोटे छोटे कहानियां थे जो आई थिंक आज की जनरेशन इतना टेक फॉर ग्रांटेड करती है. और जिस तरह मिलन सर इसको बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं, व्हेन व्हेन मेन यूज्ड टू बी मेन, कि अगर आप बाहर अपने दोस्त से ड्रिंक पीने के लिए भी मिल रहे हैं, तो किस तरह आप अपने बाल बनाएंगे, किस तरह आप जैकेट, एक फॉर्मल ड्रेसिंग हुआ करती थी कि हम इवनिंग एक इवेंट के लिए जा रहे हैं. डांस बार जो कि आज एक अलग ही नजरिए से देखे जाते हैं, उन दिन एक सोशल गैदरिंग हुआ करती थी जहां पर आप लोगों से मिल सकते थे, आप एंटरटेन हुआ करते थे. तो ये सब जो कहानियां सुनने को मिली, बहुत एक्साइट होता था मैं, क्योंकि इनके सिर्फ मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज देखे थे फैमिली में, पर जब एक्चुअली ऑन 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 स्क्रिप्ट टू सी इट एंड टू गेट टू प्ले इट विद द फ्लेयर एंड स्टाइल जो मिलन लुथिया का हॉलमार्क है, वाज वेरी एक्साइटिंग. अंजुम आपसे पूछना चाहूंगी, जब भी इन मिलन जी की बात आती है ना, एक बहुत धांसू स्टाइलिश और एकदम शूशां से भरी हुई फिल्म और उनका प्रोडक्ट दिखाई देता है। ढांसू क्या शब्द यूज किया है? आप दिल्ली के हैं क्या? नहीं, मैं मध्य प्रदेश इंदौर की हूँ। अच्छा, ढांसू करेक्ट वर्ड है, ढांसू. थैंक यू। तो अंजुम आप बताइए, अब जैसे इनको धांसू वर्ड पसंद आ गया है, आपके लिए ऐसा कुछ धांसू सा हुआ कि नहीं हुआ? और मिलन से जो एक एक्सपेक्टेशंस रहती है किसी भी फिल्म देखने वाले को भी, और आई एम श्योर काम करने वाले को भी, आपको कितना स्टाइलिश नजर आता है अपना रोल, किस तरीके से उसको निभाने के लिए आपने, हाउ डिड यू गेट इन टू द रोल, द स्किन ऑफ द रोल? क्या आप उतने स्टाइलिश हैं मेरे इन रियल लिए लाइफ, और यू आर वेरी सिंपल काइंड ऑफ गाय? हाँ मैं रियल जी, लाइफ में उतना स्टाइलिश नहीं, मुझे बंगाली है, मतलब मेरी चॉइसेस एक थोड़ी सोफिस्टिकेटेड और थोड़ी अगर कहें तो क्लासी ज्यादा होती है. बंगाली तो मतलब उसमें सिर्फ कलर है, वो एकदम रंग बिरंगा, एकदम मनमौजी, जिस तरह से होता है ना, एक और शब्द मनमौजी डिक्शनरी में, धांसू के बाद ताहिर। मन. तो जिस तरह का वो इंसान कोई भी होता है वो वैसा है. और मतलब हाँ, मैं अपने नॉर्मली डेफिनेटली मेरे अंदर वो बहुत है. जैसे अभी ताहिर भी बात कर रहा था कि यार ड्रेसअप होना, वो पता नहीं कहाँ से आया है. वो हो सकता है शायद मेरी फैमिली से या कहीं से है, कि नॉर्मल डे में भी अगर घर से बाहर निकलना है, जो कि मैंने एक तरह से थोड़ा उसको चेंज भी किया, कि जब भी घर से बाहर निकलो तो आदत है कि जूते, जीन, शर्ट, बाल बाल एक तरीके से लगने चाहिए, क्योंकि आप घर से बाहर निकल रहे हैं. तो बंगाली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बंगाली बहुत ही कलरफुल आदमी है, जैसा कि मैंने कहा, रोल के प्रेप के लिए और कैरेक्टर में घुसने के लिए, उसको अपनाने के लिए मिलन सर से सबसे ज्यादा मैंने गाइडलाइंस, प्रेरणा वगैरह ली, क्योंकि उन्होंने, उनके पास आई एम श्योर सारे किरदारों के लिए अपने दिमाग में जो खाका था वो बहुत ज्यादा संक्षिप्त था और क्लियर था. तो उन्होंने बंगाली, और आई थिंक बंगाली एक किरदार था जिसकी कास्टिंग काफी लेट हुई है, क्योंकि आई थिंक उनको जो भी चाहिए था जैसा वो हो नहीं पा रहा था चीजें. तो फिर मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे कुछ 3 4 चीजें इमोशनली और मेंटली, उसकी सोच कैसी है और वो किसी भी सिचुएशन में कैसे सोचता है, क्या करता है और उसका नतीजा क्या होता है शो में, कहानी में, इन चीजों को लेके वो बहुत क्लियर थे. और आई थिंक वही मेरा पहला आधार साबित हुआ, जहां से मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा ये इंसान कौन है और क्या है. और फिर सारी चीजें, चाहे वो जब वो अर्जुन के साथ है, जो उसका पूरा दोस्ती का जो पूरा ग्राफ है, जो कि बहुत ही कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है, वो कब कैसे करेगा, वो इमोशनल आदमी है. तो अगर कोई भी इंसान, दिल और दिमाग से हर इंसान सोचता है, वो बैलेंस जो कर पाता है
वही जरूरी है। लेकिन जब अगर कोई इंसान दिल और दिमाग में बैलेंस दिल में ज्यादा दे तो वो सेंसिटिव ज्यादा होगा, तो उसके डिसीजंस चेंज हो जाएंगे, जो वो चॉइसेस लेगा या जो किसी भी सिचुएशन में सोचेगा या डिसाइड करेगा वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें थी। बाकी एक ये था कि आपको उसको एक ह्यूमनाइज तरीके से पेश करना है, आप क्योंकि पूरा जो स्टाइल है वो 60s का है, जो स्टाइलिंग होगी, जिस तरीके से वो किरदार खड़े होंगे वो सब 60s के होंगे, लेकिन जो आपका क्राफ्ट होगा या एज अ पर्सन जो आपको पेश करेंगे वो कंटेम्प्रेरी होना जरूरी है, वो ह्यूमनाइज होना जरूरी है, वो आपको बहुत ही एक सहज तरीके से आप तक पहुंचना चाहिए ऑडियंस के पास, तो वो ज्यादा कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम एज एन ऑडियंस भी बहुत ग्रो कर चुके हैं, हम अब बहुत इस किरदार को देखते हैं कि इस कहानी को देखते हैं, तो सहज रूप से एक सिंप्लिसिटी से उसे पसंद करना चाहते हैं। तो आई थिंक वो मेरे दिमाग में बहुत जरूरी था हमेशा से कि इसका स्ट्रक्चर, आउटर जो कॉन्टोर्स हैं वो 60s के होंगे, वो सारी चीजें स्टाइलिंग हो या पिच हो वो सब हम क्रिएट करेंगे, लेकिन उसका उसका सोल जो है वो कंटेम्प्रेरी और सुर आज का रखना पड़ेगा, तो आई थिंक वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। मुझे बताया जा रहा है समय की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसलिए लास्ट सवाल मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी। मैं पढ़ रही थी तब मैं मेरे सुनने में देखने में आया कि इसमें बहुत सारी गन्स और बहुत सारे वेपन्स की बात हो रही है। अंजुम कितना कंफर्टेबल आप थे, ये लास्ट सवाल है इसलिए, एंड एट द सेम टाइम ताहिर ये ही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। अंजुम आप बताएं। हमने बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कंफर्टेबल तो मैं था, क्योंकि एक आध बार पहले भी ऐसी चीजें मैंने मतलब ऑब्वियसली हमने की हैं गन्स वगैरह, बट इसके लिए क्योंकि हम अलग अलग तरीके की गन्स यूज कर रहे थे, सिर्फ एक नहीं तो, और गाड़ियां मतलब गन्स के साथ में गाड़ियां भी मिलाता हूँ, हम जो गाड़ियां चला रहे थे वो 60s की थी, वो गाड़ियां ली गई थी, वो हमारे पास थी थ्रू आउट द शो, मतलब पूरे 1 सवा साल प्रोड्यूसर्स ने वो गाड़ी ली थी, बाइक जो हम चला रहे थे प्रॉपर 15 से 12 दिन से 15 दिन अगर मुझे याद है हमारी रिहर्सल्स होती थी, जिसमें हम गाड़ियां बाइक्स सारी चलाते थे, जो जो हम चला रहे थे शो में, गन्स अलग अलग, राइफल है, अगर शॉटगन है, पिस्टल है, पिस्टल में भी 3 4 चीजें, कुछ मुझे लगता है 5 या 6 दिन लगातार हमने इस चीज की प्रैक्टिस की है, गन को कैसे पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही एक जेनरिक तरीका होता है कि आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आप नीचे सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप 60s में हैं और आप जिस तरीके का किरदार प्ले कर रहे हैं तो आपके अंदर उतना डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आप सिर्फ एक हाथ से ऐसे ही पकड़ेंगे, तो वो सारी डिटेलिंग, हाँ वो सारी डिटेलिंग मतलब थी हमारे अंदर, और बहुत ज्यादा उसकी भी प्रैक्टिस रिहर्सल्स वगैरह हम हमने की। ताहिर मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रही, मैं अब ये पूछ रही हूँ कि जब आपको सुनने के बाद आपके इस रोल को देखकर, आपके इस रूप रंग को देखकर क्या लगता है, घर वाले क्या रिएक्शन देने वाले हैं? मेरे घर वाले तो बहुत खुश हुए, जैसे कि मैंने कहा एक रेफरेंस पॉइंट था जो मेरे फैमिली का ही था, तो उसे देखकर और ये एक रेट्रो लुक देखी, क्योंकि मेरे घर वालों की हमेशा ये शिकायत रहती है जब मैं फटे हुए जीन्स पहनता हूँ या टी शर्ट के ऊपर एक चेन पहन लेता हूँ, या अगर वो एक आजकल स्टाइल है ना, मैं लाइक मेसी लुक रहता हूँ या फेडेड हेयर कट करता हूँ, तो प्रॉपरली सही कपड़े पहनो। तो इस वक्त जब मेरे को उन्होंने उन्होंने देखा इस ट्रेलर में एकदम सही प्रॉपर बाल एकदम चकाचक, साथ में मूंछ क्लीन शेव, तो मेरे पापा तो बहुत खुश हुए ये देख के, क्योंकि वो है फौजी, तो थोड़ा लग रहा था मैं प्रिम एंड प्रॉपर, वो काफी खुश हुए, बट मेन चीज है ऑडियंस खुश होनी चाहिए, एंड फिंगर्स क्रॉस 13 अक्टूबर को पता चल जाएगा। चलिए, आई विश मैं आपसे और ज्यादा बातें कर पाती, बहुत सारी चीजें हैं आप दोनों को जानने और आपसे जान लेने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, और चाहेंगे हम और मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।